हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका खालसा साइंस एकेडमी में। आज मैं कुछ आपको ट्रिक बताऊंगा हमारे इंडिया के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को याद करने के लिए जो इंडिया में है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसे नोट कर लें और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। सबसे पहले हम याद रखेंगे असम में कौन कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो उसको याद रखने का ट्रिक है। तो ट्रिक कैसे है, मानस गर्म पानी की तलाश में काजी के पास गया। मानस गर्म पानी की तलाश में काजी के पास गया। मानस से याद रखेंगे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ कहाँ पड़ती है, असम में। गर्म पानी से याद रखेंगे गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और काजी से याद रखेंगे काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये हमारा ट्रिक है, मानस गर्म पानी की तलाश में काजी के पास गया। और आप जैसे देख रहे हैं ये है मानस, आप पिक्चर में देख रहे हैं ये है मानस और ये बैठा है काजी। ये मानस क्या करता है, काजी के पास जाता है और वो काजी क्या करता है, जादू करता है और जादू से गर्म पानी बना देता है और ये है हमारा गर्म पानी। और गर्म पानी से याद रखेंगे गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजी से याद रखेंगे काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो मानस है मानस याद रखेंगे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये तीनों कहाँ पड़ती हैं, असम में। दिस इज द बेस्ट ट्रिक टू रिमेंबर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कैसे याद रखें, तो इसके लिए एक पॉइंट ट्रिक बनाया है, अरुण तुम नाम के पक्के हो, अरुण तुम नाम के पक्के हो। तो यहाँ पर दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट डाल पाई जाती हैं, एक पाई जाती है नाम डफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक पकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अरुण से याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पाई जाती है, नाम डफा और पकुई। और इसको हम पिक्चर से भी याद रख सकते हैं, जैसे हमने देखा है सलमान भाई की फिल्म तेरे नाम, तो वहाँ उसमें उसका नाम होता है अरुण। तो अरुण जो है वो बहुत परेशान है अपनी तेरे नाम फिल्म का नाम को लेकर, वो पक चुका है अपनी फिल्म के नाम को लेकर, बार बार देख देख के भी अपना नाम चेंज करना चाहता है वो, इसलिए वो जरा परेशान बैठा है। तो इसे याद रखेंगे हम अरुण से याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश और नाम से याद रखेंगे नाम डफा डफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पका पक गया है इससे, इससे पक गया है वो देख देख के, पक से रखेंगे पकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पर पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट ट्रिक है यूपी के लिए, यूपी में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो इसके लिए ट्रिक है चंद्रप्रभा ने यूपी में दूध बेचा। चंद्रप्रभा ने यूपी में दूध बेचा, तो चंद्रप्रभा से याद रखेंगे चंद्रप्रभा सेंचुरी। तो ये कहाँ यूपी में, दूधवा से याद रखेंगे दूधवा नेशनल पार्क। याद रखना एक सेंचुरी है और एक पार्क है, ठीक है। तो चंद्रप्रभा ने यूपी में दूध बेचा, आप देख रहे हैं इस पिक्चर में ये जो लड़की है ये चंद्रप्रभा है, चंद्रप्रभा और ये इसकी नानी है। तो ये दोनों दूध बेचने आए हैं एक पार्क में, दूधवा पार्क में, तो ये दूध बेचने आए हैं, ठीक है। इसे याद रखेंगे चंद्रप्रभा ने यूपी में दूध बेचा। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटका। कर्नाटका में कौन कौन से पार्क हैं, सेंचुरियाँ कैसे याद रखेंगे, सोम ने तंग आकर अपनी वाइफ भद्रा को बंदीपुर में करना के पास छोड़ दिया, ठीक है। एक सोम था, ये सोम और उसकी वाइफ में बहुत झगड़े होते थे, तो उसने क्या किया, तंग आकर उसको, ये बंदीपुर है शहर बंदीपुर, तो यहाँ पर उसको छोड़ा है, ठीक है। तो सोम से याद रखेंगे सोमेश्वर सेंचुरी, तंग से याद रखेंगे तुंगभद्रा सेंचुरी और भद्रा से याद रखेंगे भद्रा सेंचुरी और बंदीपुर से याद रखेंगे बंदीपुरपुर नेशनल पार्क और करना से याद रखेंगे कर्नाटका। तो ये सब किसमें, कर्नाटका में। सोम ने तंग आकर अपनी वाइफ भद्रा को बंदीपुर में करना के पास छोड़ दिया। तो सोम से याद रखेंगे सोमेश्वर सेंचुरी, तुंगभद्रा याद रखेंगे तंग से आकर, तंग से याद रखेंगे तुंगभद्रा और भद्रा से याद रखेंगे भद्रा सेंचुरी और बंदीपुर से याद रखेंगे बंदीपुर नेशनल पार्क। तो ये कब कहाँ पड़ते हैं, कर्नाटका में। ओके, तो आप इसे याद कर लीजिए, थैंक यू। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे कमेंट से पता लगेगा, मैं अगर कमेंट मुझे अच्छे मिले तो मैं और स्टेट्स के भी ट्रिक्स डालूँगा, ठीक है। तब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स।